जय श्री सीताराम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आपको देखना ही चाहिए। सूचना से भरा हुआ ये वीडियो है और तात्कालिक क्षणों के ऊपर बना हुआ ये वीडियो है। कहने का मतलब ये कि फिलहाल आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 16, है ना, 16 अप्रैल 2022। आपको एक दो दिन बाद ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ये जो वक्त चल रहा है, अभी का ये जो दौर चल रहा है, मार्च गया है, ये जो इस समय ये समय चल रहा है, फिर अप्रैल का भी पूरा महीना निकल जाएगा, मई का भी फर्स्ट वीक या 10 दिन शुरुआती जो है वो निकलेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा समय चल रहा है जो बहुत कम आता है। इस समय 9 के 9 ग्रह, सारे के सारे जो ग्रह हैं, वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी चाल बदल रहे हैं। और सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि एक दो महीनों में ही सारे के सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर लें। तो क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर आप हमारी बात पर आएंगे कि जैसे मौसम चेंज होता है, है ना। भारत की बात करें तो हम गर्मियों से बारिश में जाते हैं, बारिश से ठंड में, ठंड से गर्मियों में आते हैं, तो जो बीच का एक समय रहता है 10 दिन 15 दिन, उस समय पर हम बीमार पड़ते हैं। कई बार हम बीमार पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मौसम जो है वो हमारे लिए, हमें हमारे शरीर को, टेम्परेचर को ऐसा लगता है कि अनुकूल नहीं है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? नहीं। यदि ऐसा होगा तो खेती नहीं हो पाएगी, ऐसा होगा तो रिसाइकल नहीं हो पाएगा, हमें बारिश नहीं हो पाएगी, पानी नहीं मिल पाएगा, और बहुत सारी बातें डिपेंड है सारे मौसमों पर। तो उपयुक्त है मौसम, लेकिन फिर भी शरीर को गलत फहमी हो जाती कि मौसम सही नहीं है, इस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये जब राशि परिवर्तन होते हैं, ग्रह चेंज होते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ते हैं। अब बीमार पड़ने का क्या मतलब, फीवर आता है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, हो सकता है फीवर भी आए, बट मैं ये कह रहा हूं कि भाग्य की बीमारियां होती हैं। भाग्य की बीमारी 3 या 4 प्रकार की हो सकती है, जैसे चिंता, तनाव, मानसिक तौर पर आप परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य के तौर पर आप परेशान हो सकते हैं, पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, धन या कैरियर, जहां आप काम करते हैं वहां पर किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, प्रतिष्ठा में कोई समस्या हो सकती है, पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सही से याद ना हो, कॉन्सेंट्रेशन ना बैठे, भाई भाग्य की इस प्रकार की बीमारी होती है। तो ये जो दौर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, ये कई सारे लोगों को परेशान करने वाला वक्त है। मैं कहूंगा कि 90% और 95 कह सकता हूं, 95% लोग जो हैं इस समय ज्यादा परेशान हैं। वो अलग अलग बातें हो सकती है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेके, कोई परिवार को लेके, कोई धन को लेकर, बातें अलग अलग हो सकती है, परेशानियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन परेशान है। आप किसी से भी पूछेगा इस समय, कौन से समय तक, मई वर्ष 2022 का जो है उसका फर्स्ट वीक जब तक नहीं आ जाता और जब तक वो नहीं चले जाता, तब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बनी रहेगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्या है, पहले तो ये सूचना देना है, दूसरे नंबर पर ये बात बताना है कि ये एक टेम्परेरी समस्या है, घबराइए मत, परेशान मत होइए, ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो कि मई के फर्स्ट वीक या 10 दिन के बाद चली जाएगी। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, इस समय को जो है वो लड़ करके निकलने की बात है। और हर कोई जो है, मैंने कहा ना 95%, तो लगभग हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से परेशान है इस बीच में, और ज्यादा परेशान है कंपेरेबली दूसरे समय के। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले स्थितियां थोड़ी ठीक थी, अभी स्थितियां कुछ कठिन लगती हुई नजर आ रही है, और यही कठिन स्थितियां मई में या जून में आसान हो जाएंगी। मैंने कहा ना, क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, परेशानी कुछ भी हो सकती है, वो कुंडली के आधार पर समझ में आएगा, लेकिन इन जनरल यदि मैं वीडियो के माध्यम से बोलूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ टेंशन होगा। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए इस समस्या से, ये एक टेम्परेरी समस्या है, इस समस्या से तो निकल जाएंगे। हाँ, पहले से कोई समस्या चली आ रही है, भाई 1-2 महीने पहले से भी लंबी कोई बड़ी समस्या थी, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो कुंडली के माध्यम से पता चलेगा क्यों समस्याएं वो हो रही थी,
लेकिन एक दो महीने पहले कोई समस्या नहीं थी और अभी भी समस्या बनी है, तो टेम्परेरी समस्या है, उससे आप निकल जाएंगे, चिंता की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो बस एक सूचना, एक जानकारी देने के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने वीडियो बनाया था और आप तक मैं इस बात को पहुंचाना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।